पापा वो तुम्हारी इतनी हिम्मत? फिलहाल मेरी हिम्मत नहीं, आपकी नफरत की बात कर लेते हैं सर। कितना समझाने की कोशिश की मैंने, एक बेटी की तरह इज्जत दी, आपके आगे हाथ जोड़े, आपके पांव पड़े, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि एक बाप होकर आप अपनी बेटी की खुशियों को दबाएंगे नहीं, कम से कम उसकी खुशी के लिए आप अपनी सोच बदलेंगे। लेकिन मैं गलत, वो बेटी जो आपको भगवान की तरह पूछती है उसका भगवान इतना गलत हो सकता है, मुझे ये नहीं लगा था। श्री कैलाश कश्यप जी, आपके ईगो और आपके अहंकार ने आपको इतना अंधा बना दिया है कि आपको अपनी बेटी की खुशी नजर नहीं आ रही है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आप उसे मंदिर कभी आने ही नहीं देंगे। क्या लगता है आप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं? गलत। आपने अपनी बेटियों के पंख काट रखे हैं और उन्हें एक सोने के पिंजरे में बंद किया, जिनके ऊपर आप बांस की तरह नजर रखते हैं। जिन पर आप नजर तो रखते हैं लेकिन उन्हें कभी उड़ने नहीं देंगे। क्या है यह है आपकी जीत कि आप अपनी बेटियों की दिल की आवाज दबा, उनकी जिंदगी खुद जी? यही किया है आपने विविधा के साथ। और इतना किया है कि आज वो अपनी खुशी से अपनी खुशी का फैसला भी नहीं ले सकता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो फैसला उसके पिता का नहीं हुआ तो वो फैसला गलत है। लेकिन आज मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि आज मैं यहां खड़ा हूं, आज मैं उसकी आवाज को दबने नहीं दूंगा। सिर्फ एक बार अपना हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ थाम लीजिए। फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपकी आवाज सुनने से रोक नहीं पाएगी। हम अभी इसी वक्त मंदिर जाके सगाई करेंगे। आज नहीं अंकित, आज ये गलती तुम पर बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि आज ना तो मुझे कोई लिहाज रोकेगा और ना ही विविधा का कोई डर। मैं जानता हूं आप मंदिर आना चाहती थी लेकिन आपको आने नहीं दिया गया। आप घबराइए मत, एक बार मेरा हाथ थामिए, पिता। बेटा मैंने तुम्हें मंदिर जाने से मना किया, बोलो बताओ इसको। नहीं। लिया, सुन लिया, पिता का मंदिर ना जाने का फैसला उसका खुद का था। ये सुनाने के लिए विविधा को क्या एक बार फिर से बोलना पड़ेगा?
मैं उसे कभी किसी काम के लिए मजबूर नहीं करता। मेरे मंदिर जैसे घर को तुम पिंजरा कह रहे हो, यहां मैं अपने बच्चों को तुम जैसे बूंदों की नजरों से महफूज रखता हूं। बच्चों का यहां से जाना, यहां आना उनकी मजबूरी नहीं है। बच्चे यहां रहकर महफूज महसूस करते हैं। अब तुम अगर अपने पहले पुलाव में मेरी बेइज्जती करने की कोशिश पूरी कर चुके हो तो कृपया करके यहां से चले जाओ अभी। ये नहीं हो सकता, मेरा दिल मुझे धोखा नहीं दे सकता बेटा। मेरा विश्वास इतना गलत नहीं हो सकता। मैंने आपके दिल को बोलते सुना है, जो आप बोल नहीं पा रही हैं, इतना गलत नहीं हो सकता मैं। पिता का ना सुनने के बाद भी तुम्हें बात समझ में नहीं आई? विविधा मंदिर सिर्फ इसलिए नहीं गई क्योंकि वो तुमसे सगाई नहीं करना चाहती है। ये बात हिंदी में इससे साफ साफ नहीं बताई जा सकती और मुझे मजबूर मत करो कि मैं किसी दूसरी भाषा में तुम्हें समझाऊं। वो तुम्हें समझ में तो आ जाएगी लेकिन बहुत भारी पड़ेगी। क्या कहा था मैंने आपसे? मैंने कहा था कि सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनना। मैंने कहा था कि मैं आपका मंदिर में इंतजार करूंगा। मैंने कहा था कि सिर्फ एक कदम बढ़ो। एक कदम नहीं बढ़ा पाई आप, एक कदम। गलती मेरी, मुझे लगा आपके अंदर एक सुलगती चिंगारी है जो हिम्मत की हवा से भड़क कर आजादी की आग बन जाए। मुझे लगा आपकी ताकत को आजमाइश की जरूरत है, जिसे थोड़ा सा हौसला दे तो वो कर जाएगा जो वो चाहता है। अंधे को आंख तो दी जा सकती है लेकिन जो दुनिया देखना ही नहीं चाहता उसका क्या करें। पिंजरे में रहने की आदत पड़ जाए तो पंखों को उड़ना नहीं आता। मैं आपके पंख बनना चाहता था। अगर आपके अंदर ना फैसला लेने की हिम्मत है ना ही ये सोचने की कि आप जिंदगी में चाहती क्या। मुझे लगा आप बहुत अलग है, बहुत स्पेशल। गलत था मैं। आप उन बेजुबा बेहोश लड़कियों में से जो कठपुतलियों की तरह दूसरों के इशारों पर नाचती हैं, सारी जिंदगी बस वही करती हैं जो उनको कहा जाता है, खुद का फैसला ले ही नहीं सकती। सपना पूरा करना तो दूर, सपना देखने से भी डरती। इसी तरह एक दिन उम्र आपका साथ छोड़ के चली जाएगी और उस दिन आप सोचेंगी कि काश मैंने अपनी जिंदगी अपने शर्तों पे जी होती, वो किया होता जो मेरा दिल चाहता। एक दिन उम्र आपका साथ छोड़ के चली जाएगी और उस दिन आप सोचेंगी कि काश मैंने अपनी जिंदगी अपने शर्तों पे जी होती, वो किया होता जो मेरा दिल चाहता है।
बस जरूरत से ज्यादा बोल चुके तुम, चलो निकलो यहां से। मैं आपको एक नई दुनिया दिखाना चाहता था, आपके साथ एक दुनिया बसाना चाहता था, ऐसी दुनिया जहां पर आप अपने फैसले खुद ले सके, आपको किसी की मदद की जरूरत ना पड़े, अपनी खुशी चुन सके, अपनी आजादी चुन सके। लेकिन आपने गुलामी चुनी। जा रहा हूं, जा रहा हूं। मैंने आपकी आंखों की मासूमियत और आत्मा की चिंगारी से दिल लगाया, जब वो ही नहीं रहे तो आपसे दिल लगाना तो बेवकूफी होगी। गलती मेरी, उस दिलों को दिल लगाने का हक नहीं। पर मैंने एक बुजदिल से दिल लगा लिया। जाने किस जन्म का पाप जो मुझे इस गुंडे मवाली को झेलना पड़ा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।